जी माशाल्लाह। हैदर भाई पहले मिलते थे लंगर, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। यार अभी मैं जरा लंगर कर लूँ क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हुआ पड़ा है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ और बहुत सारे काम से वो कर रहा था, तो अभी मैं जरा लंगर कर लूँ उसके बाद मिलता हूँ आपसे। जी पिछली बार की तरह मैं और हैदराबाद भाई हम बाइक पे जा रहे हैं बिस्किट्स वगैरह लेने, जूसेस वगैरह लेने बच्चों के लिए। अभी वहाँ पहुँच के मिलता हूँ, मेरी मोबाइल ही ना कोई सीन है आजकल, ये भी बहुत हो गया। अलैकुम यार, आप बिस्कुट खा जो भाई, अच्छी कंपनी के चाहिए। यहाँ थोक का माल मिलता है हैदर भाई, इसका क्या यानी अदर शॉप में और इनमें क्या फ़र्क है? इसलिए जिधर ज़्यादा अच्छा रेट मिल जाता है, अच्छा जी, वो चीज़ भी सही मिल जाती है, उसके अलावा रेट भी मकबूल होता है, जायज़ होता है। सही, हैदर भाई ने ये मुझे शॉप दिखाई है, यहाँ रेट ज़रा थोड़े मुनासिब मिल जाते हैं और चीज़ भी अच्छी, जो ओरिजिनल होते हैं यहाँ वो आते हैं। एनीवेज वेलकम हो गया जी आप सबका ब्रांड न्यू जीरो मीटर ब्लॉग में, और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अयामे सैयदा के लिए घर पे मजलिस रखी गई है, वही अहतमाम कर रहे हैं, सारा लेडीज मजलिस है घर पे, घर पे जाके अभी न्याज वगैरह तकसीम भी करनी है, अभी घर निकलते हैं। न्याज वगैरह तकसीम कर दी गई है, लेडीज थी इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, मेरे ससुराल की तरफ से भी आए हैं तो भी उनके लिए बारबेक्यू वगैरह लेने आए हैं। ये हमारा ऑर्डर लग रहा है भाई, कितना टाइम लगेगा जी? कितना टाइम लगेगा? जो ऑर्डर आपका लगवाया कितनी देर ऑर्डर लो तक, चलो जल्दी कर दियो। हैदर भाई किधर बह गए? हैदर भाई का अभी ऑर्डर रेडी होने में तो थोड़ा टाइम है, 10 से 15 मिनट लगेंगे वो कह रहे हैं। तो अभी हैदर भाई और मैं उतनी देर गपशप कर रहे हैं, हमारे घर के बिल्कुल पास ही ये नया फूड पॉइंट खोला है तो फर्स्ट टाइम यहाँ से ट्राई करने लगा हूँ, अभी देखते हैं नेक्स्ट इनसे मंगवाते हैं या नहीं। अभी टाइम शॉर्ट था इसीलिए, अदरवाइज मैं लजीज से लेता हूँ या वहाँ वकास टिक्का शॉप है वहाँ से लेता हूँ, आपने देखा ही होगा, ये भी पास है तो अर्जेंट चाहिए था, थोड़ा जल्दी चाहिए था इसलिए पास से ही लेना पड़ा। ये भी ऑर्डर पैक हो रहा है, ये वाला पैक हो रहा है, ये वाला अभी रेडी हो रहा है। इन्हू कि टाइम है चाचा जी? 20 मिनट पंद्रह मिनट सिर्फ हो रहा दस पैक हो रहा है। ये हमारे नान रेडी हो रहे हैं, बहुत अच्छे, गुड, रोटियां भी मेरा वीर ला दे नाल, अच्छी तरह पैक करने नान जी। हो गया तकरीबन ऑर्डर रेडी हो गया, चले भाई आ जाए। Finally, यार तकरीबन कोई 15 दिन बाद मैंने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतना ज़्यादा ढूंढा है, इतना ज़्यादा फाइंड किया है अल जन्नत स्वीट को, और ख़ुद भी गया हूँ इधर फैसलाबाद में, पता नहीं कोना कोना में फिरा हूँ कि यार कहीं से ये मिल जाए, क्योंकि मेरी वाइफ को ये पसंद आया था, इसका ये सोहन हलवा, सोहन हलवा देसी घी कल जन्नत की हर चीज़ बहुत अच्छी है स्वीट में। ये पहले होती थी इसकी ब्रांचेस फैसलाबाद में लेकिन अब नहीं है, तो अब्बू को भी पता था कि मेरी वाइफ को पसंद आया है
तो उन्होंने भी किसी को ऑर्डर दिया था कि ये आ जाए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था मुझे या मेरी वाइफ को, किसी को भी नहीं बताया था उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था अपने ऑलरेडी। और मैं ऑनलाइन, आपने भी किया हुआ था? हाँ, मैंने इधर से फिर बहुत ज़्यादा ढूंढ के उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला, मैंने वहाँ से खुद ऑर्डर किया, लेकिन वो अभी तक 3-4 दिन बता रहे थे ना कि 3-4 दिन बाद आएगा, 3-4 दिन बता रहे थे, लेकिन अब्बू अभी हम सोए उठे ही हैं तो 15-20 दिन के बाद ये फिर अब्बू ने ऑर्डर किया हुआ था, तो फाइनली अब ने सरप्राइज दिया है, तो अभी फाइनली आ गया। दिखाओ जरा इसकी शक्ल और सूरत। फाइनली अब ये सारा मेरे इसमें से सिर्फ आपको ये अखरोट दूंगी, बस अखरोट। एक सिर्फ मजे वाली बात बताऊं, सारा ही आप खाना, मैं खाता ही नहीं, भूख ही नहीं, रख दो। आप खाते भी होते तो नहीं देना था। जी अभी गए हैं ससुराल वाले, बहुत ज्यादा गपशप लगाई और बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। फर्स्ट टाइम आए थे मेरे ससुराल वाले मेरे घर, और मेरी वाइफ भी बहुत खुश हैं। खुश हो ना बेगम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है कि, अच्छा है, क्या फीलिंग होती है जब ससुराल वाले आते हैं, यानी आपके बेटियों के जब माँ बाप आते हैं उनके घर उन्हें मिलने? बहुत स्पेशल फीलिंग होती है, इसके लिए वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन जब आपके माँ बाप आपके घर आते हैं कि वो मेरे पास आए, ये फीलिंग बहुत अलग है कि मैं आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो बहुत सारी गपशप की, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अभी थोड़ी देर पहले ही वो गए हैं और अभी 6 बजने वाले हैं सुबह के, और अभी मैं सोने लगा हूँ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह सुबह उठ के। टन टना। One day later. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हो गई है जी आपके भाई की, तो अभी सोया उठा हूँ, बहुत सो लिया है, तो अभी उधर जाना है रजा भाई के घर, क्योंकि आज फबीहा की बर्थडे है रजा भाई की बेटी की, यानी मेरी भतीजी की, तो अभी मैं वहाँ जाने लगा हूँ। रजा भाई वेट कर रहे हैं, बाजी की भी कॉल्स आ रही हैं कि जल्दी आ जाएं, आपके वेट में केक कट करने से बैठे हैं, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा मेरी वजह से लेट हो गया, मैं लेट उठाऊँ और फ्रेश वगैरह हो रहा था, तो अभी वहाँ निकलते हैं, वहाँ पहुँच के मिलता हूँ। Few inches later. जी मैं रजा भाई के घर पहुँच गया हूँ और रजा भाई अभी सो रहे हैं। रजा भाई ने बोल दिया है कि सोनू से केक कट करवा लेना, बीयू के साथ सोनू केक कट करवाएगा, अभी केक कट करने लगे हैं, तो केक माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। हम फैमिली वाले ही हैं, बाहर से इनविटेशन नहीं किसी को भी दिया। काका बहुत प्यारा लग रहा है मेरा भी, यू आए आए आए। चले जी अभी केक कट करने लगे, आपको दिखाता हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to be you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ये बीयू की चाची लेके आई है बीयू के लिए, ये बीयू की चाची ही पहनाएंगी। चलो आप Few moments later. जी गाइज मैं घर आ गया हूँ, तो आई होप आप सबको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।